दोस्तों सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं कि मुझे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता कि आप इस वीडियो को लाइक करोगे या फिर चैनल को सब्सक्राइब करोगे। अगर आप बरोक लेसनर के फैन हो तो वीडियो एंड तक देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों समर स्लैम में बरोक लेसनर ने सबका दिल जीत लिया एंड सबको यकीन दिला दिया कि वो बहुत जल्द रिटायरमेंट लेने वाले हैं। एंड जो कुछ बरोक लेसनर ने मैच के बाद कोडी रोड्स के साथ करा, उनसे हैंडशेक करा, उनसे गले लगे, और इसके अलावा बरोक लेसनर ने कोडी रोड्स का हैंड राइज करके उन्हें फैंस की तरफ से और ज्यादा चीयर भी दिला दिया। और ये सब जब मैंने देखा तो लिटरली दोस्तों मुझे लगा ऐसा कैसे हो गया। मतलब यूजली बरोक लेसनर अपने मैच के बाद ऐसा नहीं करते, वो किसी के साथ अट्रैक्ट नहीं होते, वो कोई भी मोमेंट किसी के साथ शेयर नहीं करते, वो आते हैं फाइट करते हैं और अरीना से निकल जाते हैं। लेकिन आज जो समर स्लैम में हुआ है वो काफी डिफरेंट था और ये पूरा सीन मेरे लिए और भी सीरियस बन गया जब समर स्लैम के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रिपल एच ने बताया जो कुछ मैच के बाद बरोक लेसनर ने कोडी रोड्स के साथ किया वो अनस्क्रिप्टेड था। ऐसा कोई प्लान WWE का नहीं था। बरोक ने खुद की खुशी से कोडी को प्रेस करा था जो कि सच में शॉकिंग है। और इसी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोडी रोड्स ने बरोक लेसनर की तारीफ करी कि उनके जैसा स्टार वंस इन ए लाइफ टाइम आता है, उन जैसा कोई नहीं है, वो सबसे बेस्ट है, और जब कभी वो हम सबको WWE को लेफ्ट कर जाएंगी तब हमें पता चलेगा कि हमने क्या खोया है। और दोस्तों सच कहूं तो कोडी रूट्स की इस बात में काफी हद तक सच्चाई है। विकोज अंडरटेकर के बाद ब्रे वाइट ने हमें उनकी वाइफ दी थी, जॉन सीना के बाद रोमन रेंग्स WWE के फेस बने थे, लेकिन बीस्ट बरोक लेसनर तो पूरी दुनिया में एक है, उन्हें कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। और जब आज नहीं तो कल बरोक लेसनर WWE से रिटायरमेंट लेंगे तब देखना WWE की डाउनफॉल कितनी ज्यादा होती है। मतलब बहुत सारे फैंस ऐसे भी हैं जो सिर्फ बरोक लेसनर की एक झलक पाने के लिए WWE फॉलो करती हैं, बिकॉज इस बंदे में कुछ तो बात है और जब ये जाएगा तो सबको रुलाएगा। वैसे समर स्लैम के बाद बरोक लेसनर WWE से टाइम ऑफ लेने वाले हैं, लेकिन मे बी नवंबर 2023 में जब सऊदी अरेबिया में क्राउन जेवल इवेंट होगा तब लेसनर रिटर्न आ सकते हैं। लेकिन बरोक लेसनर ये सब कब तक कर पाएंगे ये कहना मुश्किल है। वैसे आप लोगों ने एक बात नोटिस करी होगी कि बरोक लेसनर इकलौता ऐसा बंदा है, ऐसा सुपरस्टार है जो जब चाहे तब फैंस को बू एंड चीयर करवा सकता है। और इसका एग्जांपल हमें समर स्लैम में देखने को मिला जब बरोक लेसनर ने मैच के बाद कोडी रोड्स के साथ हैंडशेक करा, तब सब लेसनर को चीयर कर रहे थे एंड उनकी आवाज बहुत तेज थी। लेकिन ये सब कब तक होगा, एक ना एक दिन बरोक लेसनर WWE को हमेशा हमेशा के लिए गुड बाय बोल देंगे और उसके बाद WWE की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा गिरने वाली है। तो बस ये खास वीडियो उन सभी बरोक लेसनर के डायरेक्ट फैंस के लिए थी जो अपनी भड़ास आज वे समर स्लैम के बाद निकालना चाहते थे, क्योंकि हैज ए फैन मुझे पता है आप में से काफी लोगों के मन में ये चीज कहीं ना कहीं दबी हुई थी कि बरोक लेसनर क्यों हारा, अब बरोक लेसनर का क्या होगा, वो WWE में रहेंगे या फिर चले जाएंगे। तो लो मैंने आपके साथ अपनी बात शेयर कर दी, अब आपको अपनी बात कमेंट सेक्शन में शेयर करनी है। बाकी वीडियो को लाइक करो या ना करो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी नहीं कहूंगा, बस आपने वीडियो देख ली ये काफी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।